देखिए समझेंगे ग्लोब टेक्सटाइल्स में अभी क्या चल रहा है। इन दिनों शेयर प्राइस में तो कुछ तेजी देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1 रुपये 1.85% की तेजी एक एक दिन में देखने को मिल रही है, और अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 2.75 रुपये के आसपास चल रहा है। तो समझेंगे कि आने वाले समय में भी मतलब शॉर्ट टर्म में देखें तो ग्लोब टेक्सटाइल्स में क्या शानदार तेजी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इन दिनों इसमें ज़्यादातर देखेंगे तो ये स्टॉक अपर सर्किट में आपको चलते हुए दिखेगा, तो इसलिए इसके बारे में बात करना जरूरी है। और ये एक टेक्सटाइल सेक्टर की छोटी सी कंपनी है जिसमें बहुत सारे रिटेल निवेशक हमारे और आपके जैसे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, तो इस लिहाज से भी इस कंपनी के बारे में बात करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक पॉइंट को इसमें हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 2.75 रुपये के आसपास है। वहीं पर पिछले यदि हम लोग एक सप्ताह की रिटर्न की बात करें तो एक सप्ताह हम देखेंगे तो तकरीबन 2% के आसपास इसमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं पर पिछले आप एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में स्टॉक तकरीबन 11.5% के आसपास टूटा है। एक मंथ में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है इस स्टॉक में, और ज़्यादातर देखेंगे तो स्टॉक नीचे ही गया है। वहीं पर पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे की तरफ ही आया है। 6 मंथ में तकरीबन 53% के आसपास स्टॉक टूट चुका है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक सीधे सीधे पिछले 6 मंथ में 53% के आसपास निगेटिव में दिखा रहा हो। यदि किसी व्यक्ति के पास ये स्टॉक 6 मंथ पहले किसी व्यक्ति ने इसको बाई किया होगा तब, अभी करंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पहले हम लोग ग्लोब टेक्सटाइल को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं कि अभी आने वाले समय में इस कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो चार्ट है, वो क्या कहता है। तो देखिए अभी आपके सामने मैंने कंपनी के 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ है। 1 साल का चार्ट पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जब गिरना शुरू हुआ था यहाँ से, लेकिन यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, और फिर यहीं पर जो इसका रेजिस्टेंस था वहीं पर रेजिस्टेंस लेकर फिर प्राइस नीचे की तरफ आने लगा नीचे की तरफ आने लगा, और अभी भी देखेंगे तो नीचे ही आ रहा है। यहाँ पर मैं और स्पष्ट रूप से दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी भी यहाँ पर करंटली देखेंगे तो नीचे की तरफ ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा होता तो इसका प्राइस ऐसे इस तरह चल रहा होता, लेकिन इसका प्राइस इस तरह आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब अभी इसमें डाउन ट्रेंड है, और आपको पता है जब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो तो अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि कितना नीचे जा सकता है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर इसका जो अगला सपोर्ट है, सपोर्ट कहाँ पर निकल कर आ रहा है, यानी कि कहाँ पर जाकर प्राइस ठहर सकता है। उस सपोर्ट लेवल को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस कंपनी के 5 साल का चार्ट ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो ये एक एरिया जो है ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, यानी कर सकती है अभी कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। और उसके बाद ये वाला एरिया, ये एरिया जो एकदम 2 रुपये के आसपास है, और ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये 2 रुपये, ये तकरीबन 3 रुपये के आसपास का एरिया, इसको मान लीजिए तकरीबन 3 रुपये के आसपास इसका एक सपोर्ट है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 2 रुपये के आसपास, यानी कि अभी इसका जो प्राइस डाउन ट्रेंड में है या नीचे आ रहा है तो कहाँ तक आ सकता है, 2 रुपये के आसपास तक आ सकता है। और 2 रुपये के आसपास आकर प्राइस ठहर के फिर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा, सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ जब जाएगा तब इसमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी। कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की एक छोटी सी कंपनी है, साथ में ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के काम भी करते हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के मामले, यानी कि जो टेक्सटाइल से संबंधित चीज़ें होती है जो बनाती है उसको ये खरीद फरोख्त भी करती है। ये तो कंपनी का काम हो गया। फंडामेंटल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए कंपनी का फंडामेंटल 40 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है, शेयर प्राइस जैसे मैंने बताया 2.70 रुपये के आसपास, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि बुक वैल्यू से इसका शेयर प्राइस कम है, जबकि शेयर प्राइस जो होता है बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए तब मज़ा आता है। हालांकि आरओई काफ़ी कमाल का है, 11% के आसपास है, और आरओसी देखेंगे तो 12.5% के आसपास है। ये बहुत बढ़िया बात है, एक छोटी सी कंपनी का आरओई और आरओसी इतना शानदार है, ये सामान्यतः दूसरे स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है। स्टॉक का पी वी 6 के आसपास है, यानी कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो सस्ता है। अभी यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि अभी सस्ता प्राइस पे मिल रहा है ओवरऑल देखें तो। लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट किसमें कोई रणनीति नहीं है, मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप जो भी कीजिएगा अपने सोच समझ के अपने विवेक के अनुसार कीजिएगा। मैं इसमें क्या हो सकता है सिर्फ वो बता रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में तो कंपनी का जो अभी हाल के दिनों में, इन दिनों जो दिसंबर क्वार्टर की कंपनी के रिजल्ट आए हैं उसमें देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है 74 करोड़ के आसपास हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 99 करोड़ का था आसपास था, और उसके पिछले क्वार्टर में 114 करोड़ के आसपास था। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपनी के जो सेल्स हुए हैं पिछले 3 क्वार्टर में डिक्रीज हुए हैं, और इसी की बदौलत कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है, तो नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट भी कम हुआ है, क्योंकि सेल्स कम हुआ है। उसके पिछले क्वार्टर में 1.66 करोड़ था, जो अभी दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 48 लाख के आसपास हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल वो जिस मार्केट कैप के आसपास वो सब ठीक है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से जो फंडामेंटल है ये हमें ये बता रहा है कि धीरे धीरे फंडामेंटल इस कंपनी का वीक हो रहा है। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब आया तो फंडामेंटल वीक हो जाएगा, ये धीरे धीरे स्ट्रांग भी हो सकता है। इसमें एक अच्छी चीज़ हमें ये लगी कि इस कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व बढ़ते हुए दिखा है, 23 करोड़ के आसपास हो गए, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 20 करोड़ के आसपास था। हालांकि उसके पहले और भी ज़्यादा था, लेकिन बीच में कम हो गया था, जो अब बढ़ रहा है। हालांकि कंपनी का डेप्ट भी आपको बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का डेप्ट 99 करोड़ हो गया बढ़कर, जो पिछले क्वार्टर में 91 करोड़ था, और उसके पहले सिर्फ 74 करोड़ आसपास। कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है,
है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिसमें बताया कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको कम होते जा रहा है, इसलिए कंपनी के ऊपर डेप्ट जो है बढ़ते जा रहा है। तो ये देखिए उतनी भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि कंपनी के जब फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आने लगेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो जाएगा और उसके बाद डेप्ट भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ओवरऑल देखें तो ग्लोबल टेक्सटाइल्स बढ़िया कंपनी, लंबी अवधि में इसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो अभी आपको इसमें समय देना चाहिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ ग्लोबल टेक्सटाइल के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई अच्छे से समझ पा रहे, मन में कोई भी सवाल है तो उसको मन में जरूर पूछेगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए यदि आपके पास शेयर मार्केट में बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एंजल वन या एमएस स्टॉक के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।